Hello, dear student of class 3. Today, I am going to start lesson number 8 in Hindi 1 and the chapter name is Krishna Leela. Student, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में बहुत सारी प्रचलित घटनाएं की हैं, उनकी बहुत सारी बाल्य जीवन की घटनाएं हैं जो आप सभी कुछ जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। और श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर और सलोने थे। इन्हें माखन मिश्री, दूध दही बहुत पसंद था और बांसुरी इन बजाना इन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। देवकी मथुरा की राजकुमारी थी, कंस देवकी का चचेरा भाई था। वह बहुत निर्दयी था और लोग उससे बहुत डरते थे। जब राजकुमारी देवकी का विवाह सामंत वसुदेव के साथ हुआ तो कंस उन्हें रथ से छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, अत्याचारी कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव ने उसे वचन दिया, देवकी को मत मारो, हमारी जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डालकर कड़ा पहरा लगा दिया। देवकी जब भी किसी बालक को जन्म देती कंस उसे मार डालता। भाद्रपद मास के 8वें दिन आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही कारागार के सब पहरेदार सो गए और बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव ने 8वें शिशु को कंस से बचाने के लिए अपने मित्र नंद के घर गोकुल ले जाने का निर्णय किया। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। गोकुल यमुना नदी के पार था और नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। वसुदेव ने बालक को एक सूप में रखा और अपने सिर पर रख कर यमुना को पार करने लगे। यमुना का पानी ऊपर चढ़ता ही जा रहा था, अचानक चमत्कार हुआ। जैसे ही यमुना के पानी ने बालक कृष्ण के पैरों को छुआ वह तेजी से नीचे होने लगा। वसुदेव गोकुल पहुँचे। उसी रात नंद की पत्नी यशोदा ने भी एक बालिका को जन्म दिया था। नंद के महल में सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। वसुदेव ने बालिका की जगह कृष्ण को लिटा दिया और बालिका को अपने साथ लेकर लौट गए। सवेरे कंस को पता लगा कि देवकी ने 8वें बालक के रूप में एक कन्या को जन्म दिया है। वह तुरंत बालिका को मारने जा पहुँचा। जैसे ही उसने बालिका को जमीन पर पटकना चाहा वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो अभी जीवित है। कंस बहुत घबरा गया। उसने कृष्ण की बहुत खोज कराई किंतु उसे कुछ पता नहीं चला। बालक कृष्ण बहुत सलोने, बहादुर और शरारती थे। वे दूध दही और मक्खन खाने के बहुत शौकीन थे। नंद के पास हजारों गायें थीं। कृष्ण ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे। वहाँ किसी टीले पर बैठकर वे इतनी मधुर बांसुरी बजाते कि पशु पक्षी और नर नारी सब मोहित हो जाते। एक बार कृष्ण जब ग्वालों के साथ एक सरोवर के किनारे गेंद से खेल रहे थे, अचानक उनकी गेंद सरोवर में गिर गई। उस सरोवर में कई फनों वाला जहरीला नाग कालिया रहता था। उसका जहर इतना तेज था कि जो भी उस सरोवर का पानी पीता तुरंत मर जाता। कृष्ण ने सरोवर में जाकर गेंद लाने का निश्चय किया। सब साथी ग्वालों ने उन्हें रोका लेकिन कृष्ण नहीं माने। बहुत देर तक जब कृष्ण बाहर नहीं आए तो उनके सखा घबरा गए। वे दौड़कर गोकुल गाँव जा पहुँचे। नंद और यशोदा को जब यह पता लगा कि कृष्ण कालिया नाग के सरोवर में गए हैं, वे गांव के लोगों के साथ भागते हुए आए। माता यशोदा बुरी तरह रोने लगी। अचानक सरोवर में हलचल हुई। सबने देखा कि कृष्ण कालिया नाग के फनों के ऊपर खड़े बांसुरी बजा रहे थे। अब सबको पता लग गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उस दिन के बाद कालिया नाग सरोवर छोड़कर चला गया। बाद में बड़े होकर कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। कृष्ण ने अनेक महान कार्य किए हैं, आज भी उनकी पूजा की जाती है। तो स्टूडेंट, इस तरह हमने इस पाठ को पूरा कर लिया।
आपने देखा कि इस पाठ में श्री कृष्ण के जीवन के बारे में बताया गया है, उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे। उनके माता पिता तो कोई और थे, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा मैया और नंद बाबा ने किया था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे, और किस तरह उन्होंने कंस का वध किया, ये सब कुछ आपने इस पाठ में पढ़ा। आइए अब हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। निर्दयी, आकाशवाणी, अत्याचारी, भाद्रपद, चमत्कार, यमुना, मक्खन, बांसुरी, सरोवर और जहरीला। अब हम पाठ में आए हुए शब्दार्थ पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। निर्दयी, निर्दयी का अर्थ होता है बेरहम। सामंत, सामंत का अर्थ होता है सरदार। वध, वध का अर्थ होता है हत्या। वचन, वचन का अर्थ होता है वादा। कारागार, कारागार का अर्थ होता है जेल। मास, मास का अर्थ होता है महीना। निर्णय, निर्णय का अर्थ होता है फैसला। सूप, सूप का अर्थ होता है छाछ। चमत्कार, चमत्कार का अर्थ होता है करामात। सलोने, सलोने का अर्थ होता है सुंदर। ग्वाले, ग्वाले का अर्थ होता है गाय चराने वाले। मोहित, मोहित का अर्थ होता है रीझना। सरोवर, सरोवर का अर्थ होता है तालाब। निश्चय, निश्चय का अर्थ होता है इरादा। कार्य, कार्य का अर्थ होता है काम। तो स्टूडेंट, ये आपके पाठ में आए हुए शब्द अर्थ थे। अब हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न है जिस पर आपको विचार करना है। पहला प्रश्न है, क्या आपने मथुरा नगर का नाम सुना है? आपने, कुछ बच्चों ने मथुरा नगर का नाम सुना होगा, कुछ मथुरा गए भी होंगे। दूसरा प्रश्न है, आप अपने मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलते हैं? जैसा कि पाठ में श्री कृष्ण क्या खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे, तो आप अपने मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलते हैं, कौन सा खेल आपको पसंद है? तीसरा प्रश्न है, बांसुरी सुनना आपको कैसा लगता है? स्टूडेंट, बांसुरी एक वाद्य यंत्र है, बजाया जाता है, तो किन किन बच्चों को बांसुरी सुनना अच्छा लगता है? अब हम पाठ से आए हुए कुछ प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मथुरा की राजकुमारी कौन थी? मथुरा की राजकुमारी देवकी थी। दूसरा क्वेश्चन है, कंस देवकी का क्या लगता था? इसका उत्तर है, कंस देवकी का चचेरा भाई लगता था। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के आठवें दिन आधी रात को कारागार में हुआ था। कारागार मतलब जेल में हुआ था। कालिया नाग कहाँ रहता था? कालिया नाग सरोवर में रहता था। पांचवा प्रश्न है, बड़े होकर कृष्ण ने किसका वध किया? बड़े होकर कृष्ण ने कंस का वध किया था। तो स्टूडेंट, इस तरह हमने प्रश्न उत्तर पूरा कर लिया। आइए अब हम बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला है, कृष्ण, वसुदेव और देवकी की कौन सी संतान थे? तो आपको पता है कि आठवीं संतान थे। दूसरा है, कंस देवकी का कैसा भाई लगता था? तो पाठ में आपने पढ़ा है कि कंस देवकी का चचेरा भाई था। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं, क्या भूलें क्या याद, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट, इन दोनों में से आपको टिक लगाना है और बताना है कि क्या उत्तर सही है। पहला है, कृष्ण के पिता कौन थे? अब आपको बताना है कि कृष्ण के पिता का क्या नाम था। दो नाम दिए हैं, नंद या वसुदेव, तो वसुदेव कृष्ण के पिता थे। गोकुल किस नदी के पार था? यमुना नदी के पार था। कंस के हाथ से छूटकर बालिका कहाँ गई? धरती में या आकाश में? आकाश में गई थी। नंद कहाँ रहते थे, मथुरा में या गोकुल में? तो नंद कहाँ रहते थे, गोकुल में रहते थे। अब यहाँ पर आपको शब्द समूह दिया है जिसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो पहला आपके पाठ में दिया हुआ था आकाशवाणी, आकाश ले आने वाली वाणी को आकाशवाणी कहते हैं। अब आपके सामने शब्द समूह है जिसके लिए आप एक शब्द लिखेंगे। पहला है, जो किसी पर दया न करता हो वो क्या कहलाएगा, निर्दयी कहलाएगा। जो अत्याचार करता हो, अत्याचारी। जिस स्थान पर लोगों को कैद करके रखा जाता है वह स्थान क्या कहलाता है, कारागार कहलाता है। अब रचनात्मक कार्य पर चलते हैं। रचनात्मक कार्य स्टूडेंट आपका एक्टिविटी है, एक्टिविटी वर्क। इस पाठ में आई हुई एक्टिविटी वो क्या है? इस पाठ में स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, भाद्रपद मास का नाम आया है जो कि हिंदी महीने का नाम है। तो ये क्या है, छठवें नंबर पे आता है। यहाँ पे आपको
महीनों के नाम लिखे हुए हैं और आपको उनके सामने उनका नंबर लिखना है कि वो किस नंबर पे आते हैं, मतलब वो पहला महीना है, दूसरा है, तीसरे नंबर पे है, कौन सा। तो आपको हिंदी महीनों के नाम पता होने चाहिए, जैसा कि आपको जनवरी फरवरी पता है, लेकिन हिंदी महीनों के नाम कुछ अलग होते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी महीनों के नाम सीक्वेंस से लिखे हैं, आइए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, सावन, भादो, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ये हिंदी महीनों के नाम हैं। तो आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न कर लीजिएगा और बुक को फिल कर लीजिएगा। जो भी एक्सरसाइजेस मैंने बताई सब आप बुक में फिल कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।